और देवर भाभी के रिश्ते को एज हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर पाना ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज थे। कुमकुम के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे बाकायदा कंडोलेंस कॉल्स आए थे। मैंने काम कम किया है, मुझे काम ऑफर नहीं हुआ ऐसा नहीं। बीस बाईस साल पहले कुमकुम आया था और हाँ। उसको ऑफ एयर हुए भी 15 साल हो गए आराम से। 2002 में आया था। तो आपको क्या लगता है कि कुमकुम की कौन सी स्टोरी लाइन या किस मैसेज ने ऑडियंस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला कि आज तक उसकी बातचीत होती है? सबसे पहले तो इट वॉज अहेड ऑफ अ टाइम शो, उसका पहला प्रोमो ही सीधे लोगों का दिल को जीता था, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं कहती हूँ कि मैं दादाजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ या जो भी हूँ, दादी की ये हूँ, फलाने की वो हूँ, मम्मी जी की वो हूँ और सुमित की बेस्ट फ्रेंड और जतिन की बीवी, ऐसा उसका पहला प्रोमो था। तो एक बहू इतनी चहकती हुई जिसको अपने ससुराल में इतना अपनापन मिला है कि वो मतलब सबकी आंखों का तारा है, इट वॉज सच अ वेलकम चेंज। और उसके बाद जो हमने विडो रीमैरिज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 21 साल की थी कुमकुम जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है, और कैसे सिचुएशन ऐसे बनती है कि शादी देवर से हो जाती है और देवर भाभी के रिश्ते को एज हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर पाना ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमें भी नहीं पता था कि वो एक्सेप्ट होगा, कि हमें मतलब हमारा बहिष्कार किया जाएगा, हमें भी नहीं पता था। एंड इट वॉज एक्सेप्टेड सो वेल कि कुमकुम सुमित की जोड़ी को लोग आज भी मतलब बड़ी बात नहीं बोलना चाहती, पर कितने लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे भी कि हमारे लिए जैसे राम सीता की जोड़ी थी ऐसे कुमकुम सुमित की जोड़ी है। अरे जब कुमकुम के हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे बाकायदा कंडोलेंस कॉल्स आए थे। अच्छा, देयर वाज समबडी जो फूट फूट के रो रही थी फोन पे, मेरे कोई उज्जैन के जानकार थे, उनका फोन आया कि मेरी मम्मी बहुत रो रही है, प्लीज उनसे बात कर लो। और रो रो के बोली, बेटा ये बहुत मुश्किल घड़ी है, ठीक हो जाएगा। इन सब चीजों पे हंसी आती थी या फिर कभी प्यार भी आता था? प्यार आता था, क्योंकि मुझे लगता था यार इतना अटैचमेंट, इनोसेंस, मुझे समझाना पड़ा कि ये मैं खुश हूँ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं खुश हूँ। आपको इस बात की कोफ्त होती है कि 15 साल के बाद भी ऐसा एक किरदार था जिसने आपके बाकी किरदार को ओवरशैडो कर लिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कुमकुम के चलते ही मैंने कुछ 6 तरीके के रोल्स किए हैं। तो मैंने कुमकुम के चलते ही एज एन एक्टर बहुत एंजॉय किया, बिकॉज अगर 7 साल शो चला है तो कुछ 6 तरीके के कैरेक्टर मैंने किए हैं। और उसके बाद भी मैंने काम कम किया है, मुझे काम ऑफर नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी चूजी। एक तो 7 साल चलने के बाद इन एनी केस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, फिर भी 2 महीने बाद ही मेरा ये चंदा कानून आ गया था। वो खत्म होते ही मैंने बिग बॉस किया था, बिग बॉस से आते ही आई प्लान्ड फैमिली, तो मैंने मेटर्निटी ब्रेक लिया था 3-3.5 साल का। जैसे ही मैंने डिसाइड किया मैं काम करने को तैयार हूँ, शनि तैयार खड़ा था। 1.25 साल शनि किया, शनि के खत्म होने के 6 महीने के अंदर तंत्र किया, तंत्र के खत्म होते ही हमारी वाली गुड न्यूज किया, हमारी वाली गुड न्यूज के खत्म होते ही वो भी ड्यूरिंग कोविड किया। उसके बाद मैंने ये मेरी फैमिली किया, अभी इसके अलावा और कितना काम कर, बच्चे की जान।